लड़ाई के दौरान अगर मूंछ वाला सामने खड़ा हो जाता दुश्मन के, तो सामने उसके छक्के छूट जाते हैं। माना जाता है कि राजदीप की पलटने जो हैं बहुत अव्वल दर्जे की पलटने हैं इंडियन आर्मी की। अब आप देखिएगा कितने लोगों का पसीना बहेगा, कितने का खून बहेगा, बिकॉज बड़ी शिद्दत के साथ ये लोग कबड्डी खेलते। मेरी टीम में कम से कम 15 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल पे पार्टिसिपेट किया और अच्छे मेडल लिए हुए हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे रेजिमेंट का है। अच्छा, रेजिमेंट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। अच्छा दोस्तों, मेरे पीछे दिल्ली की चहल पहल, ट्रैफिक जैम्स, हॉर्न्स, पोल्यूशन, इन सब के बीच में जिसको हम कहते हैं एन ओएसिस ऑफ पीस, ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ ट्रैंक्वालिटी, एक ऐसा रेजिमेंटल सेंटर जिसने तकरीबन 250 सालों से कोई ऐसा थिएटर ऑफ वॉर नहीं छोड़ा जहाँ पे बलिदान न दिया हो, जहाँ पे खून न बहाया हो, या फिर जहाँ पे वर्दी की लाज न रखी हो। आइए मेरे साथ राजपुताना राइफल सेंटर। ये सामने लिखा है वीर भोगे वसुंधरा, इसका मतलब क्या है और इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ लोग जीते कैसे हैं? कम विथ मी। सामने से आने वाले दुश्मन को तुरंत बिगर मौका दिए उसको मार गिराना राजपुताना राइफल्स के जवान की खास काबिलियत है। वीर भोग वसुंधरा, वीरी धरती का भोग करते हैं राजा रामचंद्र की जय। राजदीप के वीरम काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। जा जा गए हम छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजदीप ने तोड़ दी। आंधी है, तूफान है, परचंड है, हम भूचाल है, राजदीप के वीर, हम राजदीप के वीर। ए कलम जरा रुक के चल, तेरा मुकाम आया है, आज राजदीप के वीरों के साथ मेरा नाम आया है। सर कटे धड़ लड़े, ऐसे सुर में राजदीप की पहचान है, राजा रामचंद्र की जय। दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड वो परेड है जिसमें भारतीय सेना की हर रेजिमेंट जिसको रिपब्लिक डे परेड में मार्च करना है वो अपने सबसे बढ़िया सैनिकों को देश के सामने लाती है। आज मेरे सामने हैं मेजर आदित्य प्रताप सिंह, राजपुताना राइफल्स के रिपब्लिक परेड के कमांडर। मेजर आदित्य, वेलकम टू पेट्रियट, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेजर आदित्य, एक बात बताइए, ये रिपब्लिक डे परेड की आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में क्या क्या लगता है, कितनी मेहनत लगती है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है हमारे ट्रूप्स। ट्रूप्स के सिलेक्शन के लिए देर आर डिफरेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स जिनके तौर पे इनका सिलेक्शन किया जाता है। इनिशियली सभी ट्रूप्स अलग अलग अपनी अपनी यूनिट से आए हुए हैं और इनको सिलेक्शन करने से पहले सबसे पहले इनका हाइट्स जो कि हम चेक करते हैं, दे आर गिवन स्टैंडर्ड्स पे हम इनकी हाइट्स को चेक करते हैं, फिर इनका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, बॉडी बेयरिंग, प्लस उसके बाद इनका मार्चिंग स्टेट क्या है, फिर उसके बाद जो है इनकी ड्रिल में अगर कोई कमियां हैं, जो कि जाहिर सी बात है सभी में होती हैं, उन पर हम काम करते हैं। इनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल डिसाइड होता है जिसमें धीरे 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 धीरे, जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स के सभी बंदे अलग अलग जगह से आए हैं, तो उनको एक रूटीन में डाल के, एक रिजाइम में डाल के ट्रेन किया जाता है लगातार। और उस रिगरस ट्रेनिंग के बाद इनको जब एक फिजिकल अपीयरेंस में हम लेके आते हैं, देन उसके बाद इनकी फिर ड्रिल की ट्रेनिंग शुरू होती है। हम मान सकते हैं कि अब ये असली ट्रेनिंग के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मेजर आदित्य, ये आपने कंटिजेंट तैयार कर लिया जी, अब इनकी दिनचर्या क्या है? आपको अपने हिसाब से सैनिक मिल गए जी, उनकी बेयरिंग, उनकी हाइट, उनका डिसिप्लिन, उनकी बेसिक ड्रिल आपको मिल गई अपने हिसाब से, जो कि रेजिमेंट एक स्टैंडर्ड सेट करा है जी। उसके बाद इनकी दिनचर्या क्या होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी भी फौजी के लिए है उसकी, उसका फिजिकली एजाइल होना, फिजिकली फिट होना, जिसके लिए सबसे पहले मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इनकी शुरुआत होती है पीटी से। इनकी फिजिकल ट्रेनिंग चलती चलती है टू डेवलप इनकी कोर स्ट्रेंथ, कोर मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो कि परेड में सबसे ज़्यादा काम आती है।
एब्डोमेन, थाइज, शिन एंड काफ मसल्स, जिन पे सबसे ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। आफ्टर दैट इनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर इनकी ड्रिल की क्लासेस शुरू होती हैं, जिसमें क्लासेस में हर 40 मिनट से लेके एक घंटे के बीच में इनको 5 से 10 मिनट का एक पानी के लिए ब्रेक दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट ये क्लासेस इनकी कंटिन्यूस चलती हैं 12 से 12:30 बजे तक दिन में। फिर इनका लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद फिर इनको दोपहर में 16:30 आवर्स पे हम वापस बुलाते हैं। फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग चलती है सेम, इनकी ड्रिल की प्रैक्टिसेस होती हैं, रिहर्सल्स होते हैं। फिर उसके बाद फाइनली इनका ब्रेक ऑफ होता है रात में ऑलमोस्ट 1900 आवर्स के करीब। अच्छा, ये सब तैयारी के बाद हम पूरा होप करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि राजरिफ अपना नाम बिल्कुल ऊंचा रखे ड्रिल में। ड्रिल के स्टैंडर्ड्स वैसे ही राजरिफ के बड़े मशहूर हैं, यू हैव द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिल। एक बार बताइए, आपकी खुद की ड्रिल ये कहाँ पे, एकेडमी में डेवलप हुई? डेफिनेटली यस। एकेडमी जाने से पहले मैं एनसीसी में भी कैडेट था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। ओके, उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, लेकिन असली ड्रिल तो एकेडमी में ही शुरू होती है। बिल्कुल, एकेडमी में इंस्ट्रक्टर्स के साथ रहते ही करते ही जैसे ही उन्होंने चीज़ें सिखाई उसको मानते करते ड्रिल सुधरी, इम्प्रूव हुई। इवन मुझे बेस्ट इन ड्रिल एंड टर्नआउट का एकेडमी में मेडल भी मिला था। अच्छा, एंड इसके बाद मैंने अपनी एकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान अपने एकेडमी कलर्स को भी अपनी पासिंग आउट परेड में मैंने ही लिफ्ट किया था। अच्छा, व्हिच इज अ वेरी बिग ऑनर, एकेडमी कलर्स, वेरी गुड जी। एंड यू आर फ्रॉम व्हिच कोर्स? आई एम फ्रॉम SS98। SS98? यस, आई एम। एंड कौन सी कंपनी? कोहिमा कंपनी। कोहिमा कंपनी। SS57 जैसामी, सच अ प्लेजर मीटिंग यू। एंड आई एम टोल्ड दैट द कुमाऊं रेजिमेंट इज नॉट टेकिंग पार्ट this year in the Republic Day Parade. Sure, definitely. And we will be cheering for Rajputana Rifles. Thank you so much. Thank you. And absolutely, they would have come second this time if they would have participated. We are going to lift up the trophy. Spoken like a soldier. Thank you so much. All the very best. Thank you. All the very best. We was with Major Aditya Pratap Singh and he says that wo drill, ek bearing, ek discipline, ek jazba aur mehnat, ye khoon paseena jo humare peeche bahaya ja raha hai, ye वो गारंटी है कि जब राजपुताना राइफल्स के जवान, जिनको लीड करेंगे मेजर आदित्य प्रताप सिंह, जब ये राजपथ पर चलेंगे तो सारा हिंदुस्तान बैठ के ताली बजाएगा और देखेगा और ये कहेगा कि असली में भारतीय सेना का ड्रिल का स्टैंडर्ड ये होता है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। मैं हूं यहां पे राजपुताना राइफल सेंटर दिल्ली में और मेरे साथ हैं एक जवान जिनकी मूछें देख के यकीनन आपको भी खुशी होगी। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी मूछों का क्या राज है और राजपुताना राइफल्स में मूछों का क्या स्थान है। लांस नायक जयकुमार, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये आपकी मूछें हैं, ये क्यों राजरिफ में कई जवान मैंने यहाँ पे देखे, कई जवानों की ऐसी मूछें हैं और ये अलग टाइप की मूछ है ना, ग्रेनेडियर्स में भी मैंने देखा था, राजपूत रेजिमेंट में भी मैंने देखा है, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि शुरुआत राजपुताना राइफल्स ने की थी इन मूछों के स्टाइल से। इसकी क्या कहानी, आप लोग क्यों ऐसी मूछें रखते हैं? राजपुताना राइफल रेजिमेंट की ये हमारी पुरानी पहचान है। मूछों से राजपुताना राइफल का जवान अलग से दिखाई देता है। लड़ाई के दौरान अगर मूछ वाला सामने खड़ा हो जाता दुश्मन के, तो सामने उसके छक्के छूट जाते हैं और मूछों से हमारी परंपरा पहले से चलती आ रही है। आपकी परंपरा जुड़ी है मूछों से? मूछों से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो उस परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। आपने कब मूछें रखना शुरू करा और क्या ये ऐसे जो रिक्रूट आते हैं उसके बाद जब भर्ती हो जाते हैं, यूनिट में चले जाते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट में जाते हैं, तो क्या ऐसा चलन है कि लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है आप मूछें रखिए अपनी? जब हमारी कसम परेड हो जाती है उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं मूछें रखनी। अच्छा, हाँ, तभी से ये हमारी परंपरा है। तो काफ़ी जवान ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। बड़ी बड़ी मूछें हैं। और मूछों के लिए कोई अलाउंस भी मिलता है यहाँ पे? मिलता है साहब, 800 रुपये पर मंथ के। पर मंथ के हिसाब से 800 रुपये, बल्कि मूछों को मेंटेन करिए साहब। अच्छा, और ये जो आपने पगड़ी पहन रखी है, ये पगड़ी बहुत ही शानदार, बड़ी रॉयल लगती है पगड़ी, ये भी राजरिफ वाले पहनते हैं काफ़ी? राजरिफ की ये है ये पगड़ी। हाँ, और ये परेड के दौरान पहनी जाती है स्पेशल। अच्छा, जो परेड होती है उसके अंदर पैर के रखते हैं इनको। जैसे हमने अभी पीछे देखा रिपब्लिक डे की परेड की प्रैक्टिस हो रही है, तो सब लोग ये साफा पहन के चलते हैं जाएंगे। यहाँ पे राजरिफ का साइन है साफ, और ये साफा साफ। चलिए,
बहुत अच्छा लगा लास्ट नाइट जयकुमार आपसे बात करके, और धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू पेट्रियट में आने के लिए. थैंक यू सर. दोस्तों अभी लांस नायक जय कुमार से हमारी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि मूछों का क्या स्थान है एक राजपुताना राइफल सैनिक के जीवन में. काफ़ी मैंने ऐसे सैनिक देखे जिनकी बड़ी बड़ी मूछें. वो कहते हैं कि पुराने टाइम से राजपूतों का ये ट्रेडिशन रहा है, खासतौर से राजस्थान में, कि बड़ी बड़ी मूछें रखें. बड़े रॉयल लगते हैं, बड़े दमदार, जैसे कोई शेर सामने से आ रहा हो. एक और चीज़ है जो हमें लांस नायक जय कुमार ने बताई थी और वो बताई थी साफे के बारे में. अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाता हूँ जिसमें एक साफा बांधा जा रहा है एक सैनिक के ऊपर, और हम बात करेंगे साफे की क्या अहमियत है, साफा क्यों बांधा जाता है. ये ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है राजस्थान के राजपूतों की, बहुत कई हज़ारों साल से चली आ रही है. राजपूताना राइफल्स में ये ट्रेडिशन आज तक जिंदा है. आइए, ये लांस नायक विक्रम सिंह हैं. और आपका बहुत बहुत स्वागत है पेट्रियट में. बड़ा अच्छा लगा मिलकर. और ये हमारे दोस्त हैं राजेश भाकड़. पहले ये बताइए उस्ताद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान बाड़मेर के रहने वाला हूँ. अच्छा, और ये दोस्त ये कहाँ के? ये राजेश कुमार जी हमारे नागौर के रहने वाले हैं. अच्छा, ये नागौर के हैं. जी. अच्छा, ये हमें जो आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ये पगड़ी दो किस्म की रखी है. पगड़ी दो किस्म की, एक तो काली पगड़ी है और एक लाल और थोड़ी सी रंग बिरंगी है. ये दोनों पगड़ियाँ, इनमें फ़र्क क्या है? ये दोनों पगड़ियाँ वैसे एक्चुअली हमारे ग्रुप की है, और जो ग्रुप का अलग से लोगो या जो भी डिजाइन होता है वो ग्रुप का है. हमारा ब्लैक ये ड्रेस के ऊपर है, जो भी हमारी सेरेमनी में जो परेड होती है जी. उस परेड के अंदर हमारा ब्लैक साफा और पूरी प्रॉपर जो ड्रेस होती है, जो एक सोल्जर को जो प्रॉपर ड्रेस के अंदर है वो है. दूसरा जो हमारा ये है वो जो हमारा एक और दूसरी ड्रेस होती है उसके ऊपर है, जैसे हमारा कोई VIP प्रोग्राम वगैरह हो या कोई हमारा सामूहिक जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है वैसा प्रोग्राम होगा हमारा, तो उसमें ये साफा का उसके अंदर ये साफे बांधे जाते हैं. तो ये उस्ताद सबको लागू है? ये साफा सबको लागू है. अच्छा, तो फिर शुरू करें. बिल्कुल शुरू, आप शुरू करें प्लीज. जी, जी. सबसे पहले हम ये लाल वाला कूला उठाएंगे. हाँ. इस कूले को उठा के इसको जवान के सिर में अच्छी भली भांति. अच्छा. सिर के अंदर बैठाएंगे, जिससे जवान को काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, 2 घंटे 4 घंटे जवान लगा जब ड्रेस के साथ खड़ा रहता है तो उसके अंदर फिट होना चाहिए. उसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे ये साफा. हम इस साफे को हम जवान को पकड़ाएंगे और सीखे हुए तरीके से अब इसको हम उस हिसाब से बांधेंगे. पकड़ो इसकी, हम फर्स्ट में एक पट्टी बनाएंगे और ये तकरीबन साफा 9 मीटर का होता है. और एक सोल्जर के लिए सबसे पहले इसको पकड़ो, इसको रखते हुए हम खास कर ये ध्यान रखेंगे साफा बिल्कुल सही और अच्छी तरह से किस प्रकार से बांधा जाएगा वो हम आपको अभी बताते हैं. राजस्थान में साफे का पल्सर राजस्थान में ही है. अच्छा, और ये साफा हर राजस्थान के अंदर जो कल्चर होता है उस कल्चर के अंदर सामूहिक है, जो उसका वहाँ का राजस्थान का जो पैरवास है जी, वहाँ का जो ड्रेस वगैरह ड्रेस कोड के अंदर ये साफा आता है. आता है अभी बिल्कुल. देखिए, पहले जब आपने शुरू करा था तो ऐसा लग रहा था उबड़ खबड़ है, उबड़ लेकिन अब बिल्कुल सपाट हो गया. बिल्कुल, इसकी लास्ट उसी लिए बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे आपने देखे हैं वही ड्रेस कोड का हिसाब से साफा आएगा. इसके साथ में क्या है, ब्लैक वाला के साथ में हम क्या है थोड़ा सा पिन का भी यूज करते हैं जिससे साफा थोड़ा मजबूत रहे. ये हमारा साफा बंध गए जी, अभी कंप्लीट हो गया. अब हम इसके ऊपर ये जो हमारे जिसे बोलते हैं तुरई, अब ये लगाएंगे हम इस साफे के ऊपर जैसे साफे का पूरा रूपरेखा आ जाए. अभी हमारा साफा बंध गया. अब जो हमारा राजरीफ का प्रतीक जो हमारा ताज है जी, इस ताज को हम लगाएंगे.
ये हमारे एक सोल्जर का साफा बन गए, तैयार है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लग नहीं रहा था कि जब आपने शुरू करा था ना बांधना, मुझे लगा था कि ऐसे ही कपड़ा है और कपड़े में कोई इस्त्री भी नहीं करी, प्रेस भी नहीं करी, तो मुझे लगा था इतना साफ कैसे बन सकता है, लेकिन अब दिख रहा है कि बिल्कुल शानदार, बिना सिलवट के बिल्कुल सीधा साफा। व्यूअर्स, दिस इज हाउ अ राजरिफ साफा इज टाइड। दोस्तों, अभी आपने देखा ये ब्लैक साफा बंधा है, ये सेरेमोनियल है इन द सेंस कि जब ये वर्दी के साथ पहना जाता है परेड पे, तो ये वाला साफा पहना जाता है। दूसरा साफा है ये लाल वाला, ये साफा अलग से बांधा जाता है। अब हम उस्ताद हैं हमारे साथ लांस नायक विक्रम सिंह, ये हमें बताएंगे कि दूसरा साफा किस तरीके से बांधा जाता है। उस्ताद, आप शुरू करें कार्रवाई। अब हम इस साफे को उतारेंगे और इसी जवान को दूसरा साफा। अच्छा, ये साफा बिल्कुल ऐसे निकल जाता है? बिल्कुल ऐसे निकल जाता है, अब इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो जी। फिर हम साफे को लेंगे लाल वाले को। ये साफा जो हमारा, ये थोड़ा सा आसान है बांधने, थोड़ा सा और आसान है बांधने के लिए, और इसका और उसका कलर में भी फर्क है। उस्ताद, ये जो साफा है ये कब, जैसे नॉर्मल कोई फंक्शन हुआ है या जैसे, ये जो जैसे हमारे नॉर्मल फंक्शन है, जैसे मंदिर है वगैरह है, या कोई बड़ा खाना है। अच्छा, इसी के अंदर तब आप ये साफा पहनेंगे। और इसके साथ कौन सी ड्रेस पहनी जाएगी? कोई भी अपनी सिविल ड्रेस, मुफ्ती पहन ली? मुफ्ती ड्रेस होती है हमारे, ज्यादातर मुफ्ती ड्रेस, सफेद कमीज और काली पैंट होती है मुफ्ती ड्रेस में। मुफ्ती ड्रेस में ही साफा पहना, साफा पहना जाता है। ये हमारा लाल वाला साफा बंद के रेडी हो गया है। व्यूअर्स, जस्ट टू टेल यू, ये जो साफा है ये इस ड्रेस के साथ नहीं पहना जाता, लेकिन डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम आपको इस ड्रेस के साथ, ये जो ड्रेस है आईटी ड्रेस, ये जो फॉर्मल ड्रेस है इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म, इसके साथ यही साफा पहना जाता है काला वाला। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि दो किस्म के साफे हैं राजरिफ पे, इसलिए बैठ के इस ड्रेस में आपको दिखाया जाता है। बहुत ही शानदार, सर्टनली जो भी पहनता है लगता रॉयल है, एंड आई थिंक इट्स एन आर्ट विच इज बीन पास डाउन फ्रॉम सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। राजस्थानी राजपूत हैव बीन वेयरिंग साफाज, एंड अदर पीपल ऑल्सो इन हरियाणा एट्सेट्रा, दे लव टू वेयर साफाज, और यही लेकर आए हैं यहाँ पे और हमें दिखाया। उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, और हमारी शो पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहाँ पे बैठे रहे इत्मीनान से। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। यहाँ पे जो इतिहास है, जो राजपूताना राइफल्स ने खून बहाया है देश की सेवा के लिए, जितने बलिदान दिए, जितनी सैक्रिफाइसेस दिए हैं, इन सब की धरोहर और उससे भी कहीं ज़्यादा जो शहीद हैं उनकी यादें इस मिट्टी में मिली हुई हैं। आज मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर सुनील यादव, ही इज़ द कमांडेंट ऑफ द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, ही इज़ अ सेना मेडल। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं राजपूताना राइफल्स के बारे में। सर, वेलकम टू पेट्रियट सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो सर। वेलकम गौरव। सर, मेरा पहला सवाल ये है सर कि रिगार्डिंग द राजपूताना राइफल्स, बड़ी पुरानी रेजिमेंट है सर, कोई शक नहीं है, और इतने सारे बैटल ऑनर्स हैं जो कि हमने म्यूजियम में भी देखे। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ इस रेजिमेंट का इतिहास क्या है? देखिए, राजपूताना राइफल्स जो है इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है सर, और इसका स्टार्टिंग जो है ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे हुई थी 1775 में जी। तब ब्रिटिश आर्मी वॉज एस्टैब्लिशिंग, एंड जो इनका एक्सपेंशन हो रहा था सर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके एसेट्स थे मुंबई में सर, तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए बॉम्बे सिपॉयज के तौर पे एक टुकड़ी का गठन किया गया। अच्छा सर। और वो सबसिक्वेंटली जा कर के फर्स्ट बटालियन राजपूताना राइफल्स बनी थी जी, ये 1775 के अंदर है। रेजिमेंटल सेंटर की क्या कहानी है सर? मैंने सुना कि पहले नसीराबाद में हुआ करता था रेजिमेंटल सेंटर, और फिर शिफ्ट हुआ सर। हाँ जी जी, 1921 के अंदर जो है रेजिमेंटल सेंटर जो है नसीराबाद में रेज हुआ था जी, और इनिशियली ये इस जगह पे नहीं था, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इन्फेंट्री बटालियन की लोकेशन होती थी ये वाली, जहाँ पे हम लोग हैं जी, और ये उनका ऑफिस में सामने की तरफ को था और ये मेन लाइंस थी जी। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि सेंटर यहाँ पर था, शेखावटी लाइंस हैं उसके इस इलाके के पास में जी, नॉट प्रॉपर शेखावटी लाइन, उसके पास में, वहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है रेजिमेंटल सेंटर 47 के अंदर इधर मूव कर गया।
तब से रेजिमेंटल सेंटर जो है यहीं पे है जी। एंड हम इसे शेखावटी के तौर पे, क्योंकि 10th बटालियन के तौर पे रेज हुई थी जी, बाद में इट वाज क्रिश्चियनाइज रेजिमेंटल सेंटर एज सच जी। उस तरह से सर, अपार्ट फ्रॉम यू नो बीइंग द प्लेस वेयर द ट्रेडिशंस, द कल्चर एंड द रिच हिस्ट्री ऑफ द रेजिमेंट इज, एक रेजिमेंटल सेंटर इज ऑल्सो प्राइमरीली अ ट्रेनिंग सेंटर सर। ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए सर, क्या क्या ट्रेनिंग होती हैं और क्या अलग भी है यहाँ पे, क्योंकि रेजिमेंटल सेंटर्स में लगभग, इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर्स में लगभग एक ही जैसी ट्रेनिंग होती है सर। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर सेम अक्रॉस द इंडियन आर्मी फॉर इन्फेंट्री, बट यहाँ पे कुछ अलग भी होता होगा, और किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है सर? बेसिक एम हमारा यही है कि एक रॉ रिक्रूट जो कि सिविल से, सिविल लाइफ से आया होता है, गाँव से आया होता है, उसको उसके उस माहौल से हटा करके एक फौजी माहौल में डाल सकें, ताकि वो एक डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड सोल्जर बन सके जी। तो 36 हफ्ते की हम यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें हमारा बॉटम लाइन एम ये है कि वो एक अच्छे सोल्जर के तौर पे एक सेक्शन का एक हिस्सा बन के जा सके सर। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि उसमें एक डिसिप्लिन इम्बाइब करना, कि वो फौजी तौर तरीके से आदेशों का पालन करना और उसके हिसाब से कार्रवाई करने के साथ में एक ग्रुप के तौर पे, एक यूनिट, एक सेब यूनिट का हिस्सा बन करके अपने टास्क को पूरा कर सके। उसको हथियारों में निपुणता देना, बेसिक हथियार उसका राइफल और LMG, एक गोली एक दुश्मन जी वो हासिल कर सके जी, एक हथियार को वो आग बंद करके हैंडल कर सके, तो उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने हथियार के ऊपर भरोसा कर सके जी, अपने आप की और अपने साथी की रक्षा कर सके। कुछ अलग अलग चीज़ें सर मैंने देखा है, साफा भी मानते हैं सब लोग, दे लुक वेरी रॉयल सर। यस, ये राजपूताना एरिया जैसे आपको पहले बता रहा था, तो राजपूताना एरिया में अलग अलग तरह के साफे बांधे जाते हैं जी। राजरिफ में जो हम यूनिफॉर्म के साथ में पहनते हैं, एक हरे रंग का साफा एक बड़े तुर्रे के साथ में जी, जो बहुत ही रौबदार और शानदार लगता है जी, वो पहना जाता है। इसके अलावा प्राइवेट फंक्शंस के अंदर जो राजस्थानी जो हम पुराना चुंदड़ी और लहरिए साफे होते हैं जी, उसके हिसाब से अपना करके जो है रखे जाते हैं। ये सारे जो है मार्शल रेसेस के अंदर जी, और एक तरह से अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए साफा और तुर्रा जो है जो हाइट बढ़ा देता है, एक प्रेजेंस ऑन द बैटलफील्ड, इट आल्सो गिव्स कैरेक्टर सर, कैरेक्टर प्रेजेंस ऑन द बैटलफील्ड जो है उसके साथ। बिल्कुल सर। सर भारतीय सेना में अलग अलग एरिया से ट्रूप्स आते हैं सर, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट, हर जगह की ट्रूप्स हैं, हर जगह की रेजिमेंट्स हैं, वहाँ पर आते हैं। राजपूताना राइफल्स के जो ट्रूप्स हैं वो और ट्रूप से किस तरीके से अलग हैं सर, हम कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अलग है? ये रीजन जो है एक मार्शल बेल्ट थी, क्योंकि पुराने समय से अगर हम देखें जी, तो इन्वेजन्स वगैरह और तकरीबन सारी लड़ाइयाँ जो हैं इस इलाके के अंदर हुई हैं, और इस रीजन के अंदर जब हम राजस्थान बात करते हैं, हरियाणा बात करते हैं, और जो हम बात कर रहे हैं ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स, ग्वालियर, झांसी, इस साइड के अंदर, तो सारे आपके इन्वेजन्स वगैरह इस साइड से आए हैं जी, और जो किंगडम्स वगैरह थे वो यहाँ पर थे, मार्शल रेस के तौर पे इनको इस इलाके के अंदर माना जाता है। तो हमारे पास जो राजपूताना राइफल्स के अंदर जो बंदे हैं ये तकरीबन सारे इन मार्शल रेसेस से आए हुए हैं। हिस्टोरिकली पीपल आर एसोसिएटेड विद द आर्मी। अच्छा सर, अगर आप ब्रिटिश टाइम में भी देखेंगे तो काफ़ी रेजिमेंट्स जो हैं इस इलाके से आई हैं, चाहे आप राजपूताना राइफल्स बोलें, राजपूत बोलें, ग्रेनेडियर्स बोलें, ये सारे के सारे इस तरह से, या जाट रेजिमेंट आप देखें तो ये इस इलाके से, और इसके अलावा ऑफ कोर्स पंजाब के इलाके से सिख रेजिमेंट सिखलाई, ये भी इस साइड से। हर लड़ाई के अंदर राजरिफ की बटालियन ने बहुत अच्छा किया है, और माना जाता है कि राजरिफ की पलटने जो हैं बहुत अव्वल दर्जे की पलटने हैं इंडियन आर्मी की। हमारे जो ट्रूप्स आते हैं वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिकली क्योंकि एक हार्डशिप के एरिया से आ रहे हैं तो वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। इट इज नॉट अ लैंड ऑफ प्लेंटी जहाँ से आते हैं, वहाँ पे चीज़ें आराम से नहीं आराम से नहीं है, सूखा एरिया बहुत टफ है और फिजिकली बहुत टफ लगता है। हाइट वेट टेस्ट भी देखेंगे इस इलाके के अंदर, अच्छी हाइट वेट टेस्ट के लड़के मिलते हैं, और स्टेमिना वाइज दे आर वेरी गुड, जिसका हाइट और स्टेमिना का इस्तेमाल हम ना ही लड़ाई के मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर भी इसके अंदर बहुत महारत हासिल करते हैं लड़के। वर्ल्ड लेवल, आई मीन नेशनल्स, एशियाड, ओलंपिक्स, ये इतने कैसे राजरिफ ने पैदा कर दिए इतने, एंड टॉप लेवल एथलीट्स सर? ये एक्चुअली एक बार परंपरा सी बन जाती है। पहली चीज़ तो फौज में स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत दी जाती है जी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि
जो स्पोर्ट्स के मैदान में करते हैं वो एक तरह का उदाहरण है कि ये बंदा आगे जाके लड़ाई के मैदान में भी कैसा करेगा। एक कंपटीशन की भावना होती है, तो बिल्ड होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक सेंस ऑफ प्राइड होती है, एक एबिलिटी टू पुट इन एफर्ट होता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं फिजिकल तौर पर, एक कंपटीशन की भावना होती है। एक तरीके से कह सकते हैं सर कि फौजी और स्पोर्ट्समैन में ज्यादा फर्क नहीं है। एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप अच्छा करें तो आप में एक डिसिप्लिन की जरूरत होगी, तभी आप उस स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे, एक रेजिमेन को फॉलो करने की। हमारे राजरिफ के अंदर एथलेटिक्स एक हमारा मेजर फोटे है, जिसमें समय से बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हमारे पास आए हैं। अभी हाल के अंदर अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोअर थे, एशियन में गोल्ड लिया उन्होंने, कॉमनवेल्थ गोल्ड लिया, वो राजरिफ से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से रोइंग एक स्पोर्ट है जिसके अंदर हाइट की काफ़ी अहमियत है, एक फिजिकल फिटनेस की, बैक की स्ट्रेंथ की और एक स्टेमिना की, रेजिलियंस की, उसमें हमारे लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस बार भी हमें एशियन के अंदर एक गोल्ड इस तरह से मिला है। एक खास इलाके से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो एक खास गेम्स में महारत हासिल करते हैं, जैसे कि अगर आपने बताया कि यहाँ पे राजपूत हैं, जाट हैं, अहीर हैं, गुजर हैं, सो बेसिकली टॉलर पीपल, लॉन्ग लिम्ड, एथलेटिक्स में दे विल परफॉर्म फार बेटर। जैसे इन माई रेजिमेंट सर, यू विल फाइंड लाइक कुमाऊनी पल्टन में तो आपको बॉक्सर ही बॉक्सर मिल जाएंगे सर। यस, वो एथलेटिक्स में इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बट फुटबॉलर एवरी कंपनी टीम इज गुड इनफ टू बीट अ ब्रिगेड टीम। रेसलिंग के अंदर मेरे पास 15 लड़के आर्मी टीम के अंदर हैं जी, राजरिफ के। इसी के रोइंग के अंदर 18-19 लड़के हमारे रोइंग टीम के अंदर बैठे, 25 लड़के एथलेटिक्स के अंदर आर्मी टीम के अंदर हैं। ये हम इसलिए क्योंकि एक मैंने बताया इस इलाके में एक इसका शौक भी है जी, स्पोर्टिंग जो है कल्चर भी है, कल्चर है। एंड हरियाणा में स्पेसिफिकली आजकल छोटे छोटे जगह पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खुल गए, राजस्थान इज ऑल्सो पिकिंग अप ऑन द सेम लाइन। यस सर, सो वी गेट वेरी गुड स्पोर्ट्समैन फ्रॉम दिस प्लेस। पुराने स्पोर्ट्समैन हैं तो दे आर गुड कोचेज ऑल्सो, तो इनकी कोचिंग और फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर मिलती हैं, उसके बाद में फिर ये जो आर्मी की स्पेशल लोकेशंस हैं, नोड्स हैं, उसमें हम भेजते हैं ताकि वो आगे जाए। तो सर ये अगर कोई जैसे कोई एथलीट हो या कोई नया लड़का हो जो कहता है साहब मैं नेशनल खेल रखा हूँ, तो क्या उसका चांस है फौज में भर्ती होने का? बिल्कुल, अगर वो नेशनल खेला हो तो। नेशनल खेला हुआ है उसमें अगर हमें कुछ एक चीज़ें ज़रूर देखनी पड़ती हैं कि उसका फिजिकल फिटनेस जो है नॉर्मल या मेडिकल फिटनेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको हम देखते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, उसके बाद में हम उसको रिक्रूट कर सकते हैं जी। और अगर इन द स्पोर्ट्स कोटा अगर कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन है हम उसको डायरेक्टली एज अ हवलदार या नायब सूबेदार भी ले सकते हैं अगर उसने एक लेवल ऑफ अचीवमेंट करी है। किसने इंटरनेशनल खेला सर? बिल्कुल, तो मैं उसको जैसे नीरज चोपड़ा है उनको sir. हमने नायब सूबेदार के तौर पे लिया था। बिल्कुल, तो उस तरह से डायरेक्टली टेकन नायब सूबेदार सर। ओम प्रकाश हमारे पास शूटिंग का है, हवलदार के तौर पर आया था, उसने नेशनल लेवल पर मेडल लिया, नायब सूबेदार के तौर पर हो गया जी। इस तरह से हम जो है स्पोर्ट्स के अंदर इनको बढ़ावा देते हैं ताकि हमारे पास और टैलेंट आए और उनको हम आगे देश के लिए लगा सकें। सर आई सी दैट हियर यू आर वेयरिंग अ सेना मेडल सर, जरा इसकी कहानी बताइए सर, हाउ डिड यू गेट द सेना मेडल? दिस सेना मेडल मेरे को जो है एक ऑपरेशन था, मैं अपनी यूनिट के साथ 7 राजरिफ के साथ में था उज्जैन के जी। ये बारामूला के इलाके के पास में है, शेरी कांडी इलाका पड़ता है जी। 1994 की बात है, अच्छा सर, अक्टूबर 94 की। इसमें एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था, कॉर्डन एंड सर्च का ऑपरेशन था और साथ ही हम जंगल का एरिया भी क्लियर कर रहे थे sir. तारीपुरा गांव का था और वहां पर जो है मैं एक टुकड़ी के साथ में जिसमें मेरे साथ 10 जवान थे, हम लोग जंगल के इलाके के अंदर कुछ ट्रेल फॉलो करते हुए गए थे और उसको फॉलो करते हुए जब हम जंगल में अर्ली मॉर्निंग मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे की बात होगी, अक्टूबर में धुंध वगैरह काफ़ी होती है sir. तो हम जब उस ट्रेल को फॉलो करते हुए 2.5-3 घंटे जंगल में चले sir. उसके बाद में हमें एक जगह मिली जहाँ पर ये 4 मिलिटेंट मौजूद थे और जैसे ही हम पास जाने लगे तो उन्होंने फायर खोला और उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर हम लोगों ने उनको चारों को वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया था sir. जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के उस इलाके का जो लॉन्च कमांडर था और जो एरिया कमांडर था उसके साथ में उसके जो हायरार्की थी वो चारों के चारों उसमें क्लीन ऑपरेशन के अंदर बिल्कुल सर किए गए थे।
उसके बाद में जो है वहाँ पर जीओसी साहब वगैरह आए थे, उन्होंने फिर इस ऑपरेशन की सराहना की और साइटेशन भेजी और मुझे ये गर्व प्राप्त हुआ सेना मेडल का एंट्री का। कारगिल में राजरिफ का एक बड़ा स्टेलर रोल रहा है सर, कारगिल में जो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट केम थ्रू राजपुताना राइफल्स, वन ऑफ द फर्स्ट विच केम टू राजरिफ हमारी कारगिल के अंदर थी सर। और मेरे को बिल्कुल क्लियर याद है कि जो पहला अखबार के अंदर सक्सेस जो आई थी सर, वो तोलोलिंग के पहाड़ी पे टू राजरिफ के साथ आई थी सर। और वो पहली हमें जो है जो अच्छी खबर हमें वहाँ पर पढ़ने के लिए मिली, और हम भी एक तरह से ड्राइंग रूम के अंदर जो आप बता रहे हो लड़ाई पहुँची है, तो वो टू राजरिफ की सक्सेस के साथ में आई थी जब उन्होंने तोलोलिंग के ऊपर कब्जा किया था। ये मैं देख रहा था आपके अपने म्यूजियम में सर, राजरिफ के ये जो बैटल ऑनर्स की लिस्ट है ये ख़त्म ही नहीं होती सर, मतलब सालों से बैटल ऑनर्स, थिएटर ऑनर्स सर, मतलब अफ्रीका, मेडिटेरेनियन, यूरोप, बर्मा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर सर, आई मीन आई डोंट थिंक देर इज एनी थिएटर ऑफ वॉर इन विच राजरिफ हैज नॉट फॉट। वी हैव हैड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइटिंग इन ऑलमोस्ट हर जगह सर। एंड जैसे बताया पुरानी पलटन है, सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है जी। और क्योंकि ये इस उनकी परफॉर्मेंस हर बार इस तरह से रही है, इंडियन ट्रूप्स की परफॉर्मेंस जो है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में अभी भी ब्रिटिशर्स मानते हैं कि जो है इन अफ्रीका एंड इन यूरोप द इंडियन ट्रूप्स वर आर टर्निंग फोर्स फॉर दिस। यू नो सर, जिस बेल्ट की हम बात करते हैं द ओल्ड राजपुताना, जो आपकी जो आपका एरिया है सर जहाँ से आप ट्रूप्स लेते हैं अपनी रेजिमेंट में, उनके जो यंग लड़के हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? बिकॉज वो जो बेल्ट है वहाँ पे हर दूसरे घर में फौजी है, वो है वहाँ पे खून में है लोगों के फौज में जाना, ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश इस साइड का सर, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, इट्स इन द ब्लड। उन लड़कों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए सर आपका क्या संदेश है? एक इंडियन आर्मी आपको एक मौका देती है कि आप अपनी बहादुरी, अपने जज्बे को, करेज, आपके डिटर्मिनेशन क्या है, आप में कितना हौसला है, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, उसको ग्राउंड पे दिखाने का एक मौका देती है, अपने आप के लिए एक नाम, अपने आप के लिए एक इतिहास बनाने का मौका देती है। हमारी आशा यही है कि इसी तरह से हमारे पास एबल बॉडीड, फिजिकली फिट, जज्बा रखने वाले लोग जो हैं फौज में आते रहें, राजपुताना राइफल्स में आते रहें, और हमें अपना जो जिम्मेदारी है जो देश ने हमारे ऊपर दी हुई है उसको पूरा करने में ये सारे सक्षम बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, विद ब्रिगेडियर सुनील यादव, सेना मेडल, ही इज कमांडेंट राजपुताना राइफल सेंटर हियर एट दिल्ली। दोस्तों, ये राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में एथलेटिक स्टेडियम में मैं हूँ। मेरे साथ हैं सूबेदार सुनील, जो कि हैं जेसीओ सीनियर जेसीओ स्पोर्ट्स, यहाँ पे एथलेटिक्स के हैं, सर्विसेज के खिलाड़ी हैं। सब पेट्रियट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे एथलेटिक्स जेसीओ हैं, आप देखते क्या हैं साहब यहाँ पे? मैं यहाँ पे एथलेटिक्स में स्प्रिंट एंड जंप दोनों का इवेंट देख रहा हूँ सर। अच्छा, और यहाँ पे जैसे रिक्रूट आते हैं जी, उन रिक्रूट में से हम सब रो टैलेंट का देखते सिलेक्शन करते हैं। जैसे आपने देख लिया कोई लड़का फर्स्ट आ रहा है बीपीटी में, तो आपने बोला कि भागने का बिल्कुल बिल्कुल जो शूट मार के आगे निकल गया। सब एक बात बताइए, आप खुद सर्विसेज की, आपने सर्विसेज की बात करी, आपका कौन सा गेम है? सब मैं हाई जंप और ट्रिपल जंप किया है सर मैंने। अच्छा, सर्विसेज तक खेला है आपने? सब मैं इंटरनेशनल खेला हूँ सर यहाँ पे। क्या बात है सर, क्या बात है। और वैसे नेशनल मेडल भी लिए हैं सब, और आर्मी रिकॉर्ड रहा है मेरा 2.10 मीटर हाई जंप का रिकॉर्ड। अच्छा, अभी भी इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड आपके पास है? नहीं, अभी ब्रेक हुआ है 2-3 साल पहले, पर इतने सालों तक आपके पास ही था। हाँ सर, वेरी गुड। तो साहब एक बात बताइए, यहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स हैं सर, कोई आपको रिसेंटली लगा जैसे कि हमने बड़ा नाम सुना, अभी देश पूरा जानता है नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा, आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि फौज के हैं वो, अब उनको ये भी पता लग गया कि फौज के हैं, और फौज और फौज क्या, वो राजरिफ के हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसी सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग भी करी होगी? सब बिल्कुल आए होंगे, आए हैं। अच्छा, आए हैं यहाँ पे। अब मैं ये बताना चाहूँगा सर, इस हमारे रो टैलेंट में से जितने
एक नीरज चोपड़ा साहब को छोड़ के उससे पहले के जितने स्पोर्ट्समैन है सभी रो टैलेंट से आके और एथलेटिक्स में उनका इतिहास मतलब गौरवशाली इतिहास रहा है सर। बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे जिसमें 5 अर्जुन अवार्ड 2 पद्म श्री अवार्ड तक हमारे कोई ऐसा लड़का अभी दिखा आपको आपकी नज़र में कोई ऐसा लड़का है 19-20-21 साल का लड़का जो आपको लग रहा है कि हो सकता है कल जाके दूसरा नीरज चोपड़ा मिले ऐसा कुछ दिख रहा है आपको झलक दिख रही है लड़कों में? हम यहाँ पे जिस लड़के को ट्रेन कर देना उसमें साहब हम सबसे फर्स्ट उसमें ये देखते हैं कि क्या वो स्पोर्ट्स बनने के लायक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा तो बहुत आगे की बात होगी। हम पहले उसको ये लेवल देखते हैं कि अगर झलक दिख जाती है ना झलक दिखता है वो यानी उसमें स्पोर्ट्स करने की काबिलियत है कि नहीं है, पहले सिलेक्शन उसका इस स्तर पे किया जाता है। उसका कोई मतलब कोई इवेंट भी है हम जाहिर नहीं करते कि तुम स्पेशली यही करोगे पहले तो उसका मतलब कैसा भी है मतलब समझाइए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि स्पोर्ट्स उसमें अंदर स्पोर्ट्स की काबिलियत है कि नहीं वो क्षमता है कि नहीं तो स्पोर्ट्स में क्या क्षमता देखते हैं जैसे कि हम सब स्पीड है कि नहीं है स्ट्रेंथ है कि नहीं है एक्सप्लोजिव है कि नहीं है इंडोरेंस है कि नहीं इस सभी टेस्ट के बाद में हम उस प्लेयर को ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं और उसको कितना बिल्डअप कर सकते हैं ऊपर हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं वो किस इवेंट में सेट हो सकता है उसी हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग देते हैं 1-1.5 साल के बाद में जैसे इवेंट में कुछ लगता है हाँ ये कुछ अच्छा कर सकता है उसके बाद हम उसको उस इवेंट में लेके आते हैं। अच्छा, और एथलेटिक में सर ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी उठा के एक मिनट में उठा के किसी को इंटरनेशनल मेडल दिलाते हैं ऐसा होता नहीं सर। वो तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है सर, बहुत स्टार्टिंग लेवल से लेके बहुत आगे तक बहुत आगे बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है बहुत कुछ होता है सर। और अच्छा, वो लोग कभी आपसे पूछते हैं कि ये साहब ये राजपूताना राइफल्स के इतने बड़े बड़े नाम हैं जैसे मैंने नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा का नाम लिया ऐसे आपके तो सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने बहुत देश विदेश में रेजिमेंट का पलटन का नाम बहुत ऊंचा करा है कभी पूछते हैं उनके बारे में साहब वो कैसे थे उनके उनसे बोले इंस्पिरेशन लेने के लिए उनसे कुछ वो करने के लिए साहब हमारे पास में जो साहब लोग हैं यहाँ से वो आते हैं तो हम उनको मिलवाते हैं ना तो उनके सामने वो जो भी कुछ बोलते हैं उसे एक्सपीरियंस मिलता है उनको कि हाँ सही बात है सही बात है हमेशा आते हैं साहब बहुत बड़ी बात है 800 फौज बड़ा बिलीव करती है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जहाँ पे पसीना हो खून हो। राजरिफ की इतनी बढ़िया जो कबड्डी टीम है उसने क्या अचीव करा है और किस तरीके से इनकी ग्रोथ स्टोरी है क्या? उस्ताद आपका पेट्रियट में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा उस्ताद आप बताइए ये जो आपकी कबड्डी टीम है इसका जरा कुछ कहानी बताइए क्या है, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कबड्डी टीम की राजरिफ की। हमारे रेजिमेंट के जो अधिकारी हैं वो हमारे प्रोफेशनल टास्क के साथ साथ खेलों को भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे हमारे कबड्डी काफ़ी तरक्की हुई है जिससे जो कि प्रो का सीजन 6 चल रहा है उसमें भी हमारी रेजिमेंट के 3 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें प्रो कबड्डी में आपके रेजिमेंट के लड़के हैं 3 लड़के हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ सर, तीनों लड़के अपनी अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे ये लड़के हैं यहाँ पे खेल रहे हैं तो ये उस्ताद ये इनको आपने कैसे सेलेक्ट करा? इनको कुछ तो स्पोर्ट्स कोटे की डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें चूज करते हैं जो अच्छे लड़के होते हैं अपना प्रदर्शन ट्रायल में करते हैं उस हिसाब से इनको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, और कुछ लड़के जो कैडेट होते हैं सोल्जर कैडेट होते हैं उनमें से हम उनका बॉडी बिल्डिंग देख के उनका इंटरेस्ट देख के उनको यहाँ पर तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो लड़के हैं किस लेवल पे खेले हुए हैं? ये लड़के अपनी रेजिमेंट बटालियन लेवल से लेकर रेजिमेंट लेवल पर और सभी राष्ट्रीय स्तर तक खेले हुए हैं। नेशनल वाले भी लड़के हैं? नेशनल वाले भी लड़के हैं सब, जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल भी खेले हुए हैं। जो यंग प्लेयर्स हैं कबड्डी के और देखते हैं अपने बारे में क्या बोलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शक्तिपुरिया, शामली से हूँ। आप शामली से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो पे। अच्छा, आपने कबड्डी कब से खेलना शुरू करी? मैं सर बचपन से गांव में खेलता था और फिर गांव से साई में आया, साई से फिर 2011 में इधर। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी थे? हाँ सर। फिर उसके बाद आप राजरिफ में आ गए। तो आपने किस लेवल तक खेली है? मैं नेशनल मेडल है सर मेरे, कंटिन्यू 2-3 साल लगातार मेडल है नेशनल। अच्छा, आप नेशनल मेडल हैं आपके कबड्डी में। कबड्डी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको कबड्डी की तरफ आकर्षित किया? कौन सी चीज़ है कबड्डी में? गांव में कबड्डी खेली जाती है? गांव में कबड्डी सर हमारे गांव में इंटरनेशनल प्लेयर है पुराने। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट। और आपने कबड्डी कब शुरू करी? मैंने कबड्डी सर 10-12 साल पहले से स्टार्ट की थी। अच्छा, और आपने किस लेवल तक कबड्डी खेली है? मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल, जूनियर नेशनल मेडल तक खेला। कबड्डी में कौन सी चीज़ आपको पसंद है जो आप कहते हैं और किसी स्पोर्ट्स में आपको सोच समझ के आप कबड्डी में आए होंगे? आपके गांव में कबड्डी थी कि आपका रुचि कबड्डी की तरफ गई, आप कबड्डी की तरफ आए? मेरे जो सीनियर प्लेयर्स थे, मेरे भाई थे, वो कबड्डी खेलते थे। अच्छा, आपके परिवार में कबड्डी खेलने वाले थे? हाँ। अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है पेट्रियट पे। थैंक यू। आपका नाम क्या है?
रविंदर जी। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट, गाँव बापुर। भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। हाँ, ये सारे के सारे कबड्डी वाले हरियाणा के हैं? हाँ, सबके यहाँ पे पूरे 90% हरियाणा के, सारे बॉक्सर हरियाणा के, सारे रेसलर हरियाणा के, सारे कबड्डी वाले, सारे इंडिया के सारे स्पोर्ट्स वाले, मुझे लगता है 90% हरियाणा के जो मेडल वेडल लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आपने कबड्डी कब शुरू करी? 2006 में की थी। जो प्रो कबड्डी लीग की हम लोग बात करते हैं ना, उस्ताद ने भी बताया, हवलदार जितेंद्र सिंह ने, कि प्रो कबड्डी लीग में भी तीन तीन लड़के राजरिफ के खेल रहे हैं। तो आप लोग, आप भी सोचते हैं कि आपको प्रो कबड्डी लीग में जाना है? हाँ सर, प्रो कबड्डी में जाना है। इधर हमारे सेंटर में कोच साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं एंड प्रो कबड्डी की तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। थैंक यू। और आपका नाम क्या है? अमित सांगवान। अमित सांगवान, स्वागत है आपका पेट्रियट में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, चरखी दादरी। चरखी दादरी के रहने वाले हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, आप एक बात बताइए दोस्त, कबड्डी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए? एक तो इन्होंने बता दिया कि फिजिकली फिटनेस, आदमी में एक तो फिटनेस होनी चाहिए और उसमें जान होनी चाहिए, ये तो पक्की बात है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? फुर्ती होनी चाहिए जी, और एक प्लेयर में कौन सा भी गेम हो जाए उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए प्लेयर का। अच्छा, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है और कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत है, हार्डवर्क। हार्डवर्क ज़रूरी है। Athletes, here I am with the wrestling coach of the Rajputana Rifles Regimental Center, Naib Subedar Lokendra Singh. इनसे बात करते हैं साहब से हम, और पता लगाते हैं कि क्या ये, देखिए इतनी जोर से धमाका हुआ आपके पीछे। साहब से बात करते हैं। साहब, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू। साहब, ये बात बताइए, ये जो लड़के हैं ये किस तरीके से आपने सेलेक्ट करें? ये हम गए गाँव से सेलेक्ट, टैलेंट स्काउटिंग के लिए गए, वहाँ से लेके आए, हमने अपना यहाँ उनका ट्रायल्स लिया जी। मैक्सिमम लड़के हम लेके आए, उनका ट्रायल्स लिया, उसके बाद हमने यहाँ लड़कों को अच्छा सिलेक्ट किया। फिर हमारी जो आर्मी की जो प्रक्रिया है उसके दौरान ये जी अपना ज्वाइनिंग किया इन्होंने। फिर उसके बाद हमने अभी जो आर्मी जो हमें फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रही है, बेस्ट से बेस्ट उनके हिसाब से हमने तैयार कर रहे हैं। सब अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बोला कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो भी होता है उसमें बड़ी मेहनत है, और ये तो पहलवानी जो कर रहे हैं ना, जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं पहलवानी, तो इनका तो सवेरे से लेकर रात तक एक अलग जीवन होता है पहलवानों का। क्या क्या होता है इनका सवेरे, कैसे उठते हैं सवेरे, किस प्रकार से ये लोग इनका ट्रेनिंग करते हैं? अर्ली मॉर्निंग जगना, उसके बाद इनका फ्रेश होना और अपने बॉडी को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना, उसमें डाइट शेड्यूल भी आ गया हमारा कि हमें प्रैक्टिस से पहले इन्हें क्या देना है और प्रैक्टिस के बाद में क्या देना है। अच्छा। उसी के हिसाब से हम इनको तैयार करते हैं। एक पेडाइजेशन चलता है हमारा ईयरली, उसके अंदर हम तीन पीरियड लेते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजेक्शनल पीरियड। तो हम यदि जैसे हमें अभी दिख रहा है कि हमारा कंपटीशन अभी 5 महीने का ड्यूरेशन है कंपटीशन में, तो हम उसका प्रिपरेटरी पीरियड स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है कि इन जो ये जो आपके अभी रेसलर्स अभी फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें से कोई है फ्यूचर होप आपको लगता है? अभी हमारे पिछली बार भी 3 रेसलर प्रो रेसलिंग लीग हुई थी, उसमें खेले थे। अभी सर्विस भी संपन्न हुई है, इसमें भी मेरे 3 मेडल आए हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा रेजिमेंट का है। अच्छा। रेजिमेंट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। अच्छा। उसके कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। बहुत ही बढ़िया सब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और रिपब्लिक टीवी और टीम पेट्रियट की तरफ से आपको और आपकी टीम को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ कि भगवान करे कि आप लोग मेडल लेकर आएँ और देश की शान तो ऊँची करें, लेकिन रेजिमेंट जिसने सब कुछ इतनी सहूलियत दे रखी है, रेजिमेंट सब कुछ है, रेजिमेंट की शान भी ऊँची करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि फौज में खेल को कितनी अहमियत दी जाती है, हर प्रकार का खेल। कोई रेजिमेंट बॉक्सिंग में किसी की महारत है, किसी की रनिंग में महारत है, किसी की एथलेटिक्स में महारत है। राजपूताना राइफल्स की अपनी हिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, बड़े बड़े उच्च कोटि के स्पोर्ट्समैन राजपूताना राइफल्स में पाए गए हैं। आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना ही होगा, वो भी राजपूताना राइफल्स से उनका ताल्लुक है। अब हम आपको यहाँ पे जो रोइंग का नोड है, यमुना जी के तट पे हम लोग खड़े हैं दिल्ली में, रोइंग का नोड है, उनके जो इंचार्ज हैं उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं सूबेदार करमबीर सिंह चहल। साहब, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर।
तो दोस्तों, सूबेदार करमवीर साहब, यहाँ पे जो रोइंग नोड है और चारों तरफ हमारे नाव पड़ी हैं, यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये इनके इंचार्ज साहब, एक बात बताइए, ये नोड शुरू से यहीं पे है, पहले कहीं और था, क्या हुआ? नहीं सर, यहाँ दो साल से ही यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले हम छावड़ा में थे। अच्छा। वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, वहाँ से भी बहुत से खिलाड़ी हमारे अच्छा प्रदर्शन किया, और यहाँ पे भी हम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आए। तो आपकी टीम में कितने लड़के ऐसे हैं जो प्लेयर हैं जो कि नेशनल खेले हुए हैं, और कितने हैं जो कि इंटरनेशनल खेले हुए हैं? सर, मेरी टीम में कम से कम 15 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल पे पार्टिसिपेट किया और अच्छे मेडल लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। के बाद में इंटरनेशनल भी बहुत लड़के हैं मेरे पास जी, जो मेडलिस्ट भी हैं इंटरनेशनल, और कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। जो आगे के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे राजपुताना राइफल रेजिमेंट सेंटर के लिए, और अपने देश के लिए आगे चल के अच्छा मेडल लेंगे। राजरिफ ने बोल रखा है कि बस देश के लिए और रेजिमेंट के लिए मेडल लेकर आओ। यस। बाकी सर, और कोई जिम्मेदारी है इसके अलावा? नहीं सर, और कोई जिम्मेदारी, खेलने की जिम्मेदारी है। अच्छा। और हमारे को अच्छा करके दिखाना है, अच्छा करके अच्छा पदक देना है अपने राजरिफ सेंटर के लिए और अपने देश के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। थैंक यू सर। बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हवलदार पर्वत सिंह, वो आपको बताएंगे अपने बारे में, ये इक्विपमेंट पड़ा है इसके बारे में, और माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन जो राजपुताना राइफल्स ने करी है इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स इनके पास है, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। ये सुनिए हवलदार पर्वत, स्वागत है आपका पेट्रियट में। थैंक यू सर। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो इक्विपमेंट है, अब इसमें से कुछ इक्विपमेंट मैं पहचानता हूँ जी सर, और क्योंकि मैं हाई एल्टीट्यूड में सर्विस कर चुका हूँ, और कुछ इक्विपमेंट में नहीं पहचानता क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। यहाँ से शुरू करते हैं, तो रॉक क्लाइंबिंग अपनी नॉर्मल जी, ये कोई खास है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फौज में, क्या अलग है? सर, एक्चुअली ये डायनेमिक रोप है जी, ये 500 केजी का अचानक का झटका साइन कर सकता है। ओके। और इसकी लेंथ 50 मीटर से लेके और 200 मीटर तक होती है। अच्छा। तो मल्टी बीच पे क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और नेक्स्ट है आइस एक्स। आइस एक्स ये माउंटेन्स में यूज करते हैं, दीवार में हमारे हाथ का काम करती है ये। बिल्कुल। इसको लेके पुल करा ऊपर, और खतरनाक हथियार भी। बिल्कुल। यूएससी टार्नेस, ये हमारे को बॉडी को सेफ्टी देता है। जब हम माउंटेन्स में होते हैं या वॉल्स में जब चढ़ते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट की जगह इसको यूज करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जिससे हमारी कमर को झटका नहीं आता, रोप के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो ये हमें सेफ्टी देता है पूरा, ये बचा के रखता है, बचा के रखता है, छूट गया तो, अगर हमारा हाथ छूट गया ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारा जो नीचे हमारे को बैकअप है वो बचा लेगा। वो ये हो गया, ये हो। और नेक्स्ट क्लाइंबिंग शूज है सर। अच्छा। ये हम एडवांस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इनको ये शूज प्रोवाइड करवाते हैं, और ये शूज इनका ग्रिप बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे ये होल्ड कर सकता है। ये है क्रैम्पॉन, ये है सियाचिन में, और जहाँ भी लाइफ लाइन है इंडियन आर्मी की, स्पेशली माउंटेन वारफेयर में और स्नो में। बिल्कुल। तो स्नो में तो आप इसके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। तो स्नो में हमारे पैर का काम करता है, स्नो आइस, आइस में पकड़ देता है, पकड़ देता है, हमें स्लिप करने से बचाता है। तो व्यूअर्स, एसेंशियली व्हाट यू डू इज यू वेयरिंग शूज एंड देन यू वेयर देम ओवर योर शूज हियर, एंड देन व्हेन यू किक योर लेग इन द आइस वॉल, दिस गोज इनसाइड, दिस गिव्स यू पर्चेस, दिस गिव्स यू अ फर्म फुटिंग, एंड देन यू यूज द पिकैक्स एंड हाउल योरसेल्फ अप। This is जी, ये सर जुमार, ये एक्चुअली असेंडिंग का काम करता है, हमें कोई भी सामान या कोई हमारा नया क्लाइंबर है जो परफेक्ट नहीं है उसको ऊपर पहुंचाना है, तो हम उसमें एक सेफ्टी एंकर डाल के इसका बेल्ट सेफ्टी बेल्ट में डाल देते हैं, और इससे ही ऊपर जाता है। इसमें इसकी खासियत ये है कि इससे सिर्फ ऊपर जाओगे आप नीचे नहीं आओगे, वो रुक जाता है। ये क्या है? ये सर डिसेंडर है। अच्छा। इसको हम बिले में यूज़ करते हैं और रैपलिंग में यूज़ करते हैं, सीधी कड़ी हाइट से जब हमें नीचे आना होता है, जैसे हम हेलीकॉप्टर से भी जम करके आ सकते हैं, तो इसके लिए यूज होता है, स्पेशली हम इसको बिले में यूज करते हैं। इसको दिखाएंगे इस्तेमाल कैसे? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे हमारा ये रोप है, तो हम रोप का एक किनारा लेते हैं, ये किनारा जो हमारा क्लाइंबर उसके पास होता है, ये जो रोप का बाकी हिस्सा है वो हमें नीचे होता है, तो हम इसको लेते हैं, इसमें से इसका जो बड़ा लूप है उसमें से गुजारते हैं, और एक कैरमनर लेते हैं, दोनों को पास करते हैं, और इसको जो हमारा सेफ्टी बेल्ट है ये उसमें पास कर लेते हैं। अच्छा। तो यहाँ हमारा क्लाइंबर क्लाइंब कर रहा है, उसको सेफ्टी हो रही है, और ये बाकी का बचाव रोप है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम इसको सिलेक्ट देते जाएंगे तो उसको ऊपर ऊपर रोप पास होता जाएगा। करेक्ट। एक काम करिए पर्वत, वो जो है ना चार्ट आपका जी सर, वो चार्ट समझाइए जरा। ये राजपुताना राइफल्स की जो हमारी माउंटेनिंग में गौरव गाता है जी।
ये चार्ट उसका एक उदाहरण है और ये जो दो एक्सपीडिशन राजपूताना राइफल्स ने अकेले किए हैं जो अपने दम पे किए हैं जहाँ से हमारी शुरुआत हुई राजपूताना राइफल्स में कौन से करें? मैंने 2004 में कमेंट किया देन उसके बाद 2005 में कमेंट किया त्रिशूल और कमेंट मैंने दोनों किए। ये त्रिशूल और कमेंट की एक सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि हमारे पास सिर्फ माउंटेनिंग के सिर्फ चार इंस्ट्रक्टर ऐसे थे जो क्वालिफाइड थे और उसके बाद हम सिर्फ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल यंग थे और ओनली 17 ईयर्स के थे जिन्होंने सिर्फ पास आउट हुए थे और थोड़ा हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें गाइड किया और हमने ट्रेन किया और बिना किसी माउंटेनिंग ट्रेनिंग के हम लोगों ने ये त्रिशूल सबमिट किया और फिर बाद में कमेट भी हमने फिर किया। ऐसी खास एडवांस ट्रेनिंग के? जी बिल्कुल। आप लोग चढ़ गए? हम लोग इस पे नए थे जो जो उसमें चढ़ गए राजा रामचंद्र की जय बोल के इसके ऊपर चढ़ गए। अच्छा। इसके बाद हमने काफ़ी एक्सपीडिशन इंडियन आर्मी के साथ भी किए हैं जिनमें मोस्टली मेयर या हमारी टीम के काफ़ी मेंबर्स रहे हैं। पर बताइए, बात बताइए जी सर, ये मैं समझ गया और ये बहुत जिसको कहते हैं बड़ी अमेजिंग बात है और बहुत हम तो सोच भी नहीं सकते, ये तो जो चढ़ता है वही जानता है कैसे चढ़ता है। एक माउंटेनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैं सिर्फ स्किल और इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो स्किल तो सिखाई जाती है ना? जी सर, वो तो सिखाई जाती है। पर अंदर से क्या जज्बा चाहिए चलने? माउंटेनियर एक माउंटेनियर और एक सोल्जर होने के नाते में एक ही हम जज्बा फॉलो करते हैं, कभी भी रुको मत, कभी भी हारो मत, अपनी हिम्मत मत हारो, अपने साथी की जान बचाओ और अपने देश और अपने रेजिमेंट के नाम के लिए आप कुछ भी कर गुजर जाओ। अगर आप में यही जुनून है तो मुझे नहीं लगता आपको पार चढ़ने से कोई रोक सकता है। उसका सियाचिन में पोस्टेड थे जी सर और आपका नाम भी पर्वत है? जी, पर्वत यानी माउंटेन, माउंटेन। सो योर नेम इज माउंटेन, आपका नाम भी माउंटेन है। अब आप एक बात बताएं, आप सियाचिन में थे, आपका एक्सीडेंट हुआ? जी सर, मेरा और आपके दोनों टांग टूट गए। मेरे सियाचिन में 2015 में 11 मई 2015 को मैं रॉक फेस पे क्लाइंबिंग कर रहा था, काफी स्पीड से चढ़ रहा था जी। स्पीड से चढ़ते हुए रॉक फेस थोड़ा टूट गया तो उस वजह से मैं नीचे गिर गया। अच्छा। वो हाइट काफी थी, करीब 77 फीट हाइट से मैं नीचे, नीचे गिरा और थैंक गॉड मैंने हेलमेट पहना था तो माई हेलमेट सेव माई लाइफ। नहीं, पैर मेरे दोनों पैर टूट गए थे तो काफी मुझे दोनों पैरों को मिला के 36 फ्रैक्चर। जी सर। अच्छा, फिर आप मेरे सामने खड़े हैं इतने कॉन्फिडेंटली, कितना टाइम व्हीलचेयर में भी टाइम स्पेंड करा होगा? सर मैंने व्हीलचेयर पे करीब मैंने 8 महीने व्हीलचेयर पे टाइम स्पेंड किया चंडीगढ़ में। अच्छा, ये चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में। और वहाँ मुझे एक प्रेरणा मिली जब मैं वहाँ एक्सपीडिशन में था, उस टाइम मेरी माउंट एवरेस्ट टीम जा रही थी, उस टाइम मैंने एक वीडियो देखा, अरुण मीना सिन्हा करके एक लड़की है जिनका एक पैर कट गया था एक ट्रेन एक्सीडेंट में, तो उन्होंने एक एवरेस्ट उसके बाद सबमिट किया, तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि जब अरुणिमा सिन्हा कर सकती है और हमारे देश के अगर मैं आपको सही बोलूँ तो मेरे एक आदर्श हैं हमारे मेजर डीपी सिंह साहब जो मैराथन भागते हैं, तो मैंने उनके काफ़ी मोटिवेशन वीडियोज़ देखे, जब मैंने सोचा अब अगर धर्म सिंह साहब भाग सकते हैं तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे पता नहीं हमने कब नेशनल का रिकॉर्ड ब्रेक किया और 2015 में हमने ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक किया, मुझे पता ही नहीं लगा कब मैंने कब मैंने चलना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा था जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था इन लड़कों के साथ, तो कार में बैठ के जाता था और ये दो लोग मुझे उठा के ले जाते थे, तो मुझे इन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मुझे चोट लगी है या मैं ऐसी कंडीशन से गुजर रहा हूँ। बातों बातों में हम ट्रेनिंग में ऐसा भी बिजी हो गए, 2015 में हमने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, मैंने व्हीलचेयर ही छोड़ दिया और उसके बाद तो फिर हमारा आज 2018 है, तो हमने रिकॉर्ड तो ब्रेक हमने होने अगर ब्रेक किया है तो हमारे जवानों ने किया है। ये भी बात है, राजरफ ने बनाया, राजरफ ने ब्रेक करा, तो कोई बात नहीं, घर की बात घर में रह गई। जी सर, चलिए बहुत ही बढ़िया, आपसे पर्वत बात करके बहुत अच्छा लगा और एक आप एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं, एक अच्छे माउंटेनर तो हैं, प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि जिंदगी में कोई भी रुकावट आए। जी सर, मैंने बोला कि राजरफ का जवान रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, है ना, उसकी सिखलाई में शामिल नहीं है, हमें ट्रेनिंग में सिखलाई ये जाता है कि कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है, कभी हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ता रहना है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हवलदार पर्वत सिंह, धन्यवाद पेट्रियट में आने के लिए। व्यूअर्स, विद हवलदार पर्वत सिंह, ही इज़ अ माउंटेनियर, हैड अ वेरी सिवियर एक्सीडेंट, हैड मोर देन 30 फ्रैक्चर्स इन बोथ हिज लेग्स इन सियाचिन ग्लेशियर, करीब 8 महीने प्लस व्हीलचेयर में रहे। इनका यह कहना है कि राजपूताना राइफल्स में एक प्रथा है, एक विश्वास है, रुकना नहीं, थमना नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहना। व्हीलचेयर में बैठे थे, एक दिन उठे, चलना शुरू करा, नेशनल के रिकॉर्ड तोड़े और अब फिट एंड फाइन होके हमारे सामने खड़े हुए। ऑन बिहाफ ऑफ टीम पेट्रियट एंड रिपब्लिक टीवी, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट।